वक्त असी खड़े हैं मोहाली के इंडस्ट्री एरिया दे विच ईएसआई हॉस्पिटल के सामने। यह इको एक हॉस्पिटल है पूरे मोहाली जिले का, जिथे कि जो मोहाली इंडस्ट्री दे नाल काम करते हैं कर्मचारी है, उन्होंने मजदूर है, तो ईएसआई का जिन्हों का कार्ड बनया हुआ उन्होंने इत्थे इलाज होंदा है। तो इस हॉस्पिटल की गल करिए आप 100 करोड़ रुपए के करीब साल की इस हॉस्पिटल की आमदन हैगी है। 4 एकड़ के विच हॉस्पिटल बनया हुआ, सज्जे पासे 100 के करीब जिहड़े कमरे हैगे ने रहण वाले वो बने हुए ने, जो अंदर स्टाफ हैगा 22 इत्थे डॉक्टर हैगे ने, अंदर SMO हैगा, फैसिलिटीज़ दे नाँ दे उत्ते इत्थे सारा कुछ वो दिखाया गया हैगा कि एमरजेंसी भी है क्योंकि हॉस्पिटल इस करके एमरजेंसी सेवावां भी इत्थे हर टाइम होंदियां ने। तुसीं देख सकते हो कि सज्जे पासे लिखा हुआ कि अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का इत्थे सिर्फ बोर्ड ही लग्या होया, जदों कि बलबीर सिंह सिद्धू जो कि इस इलाके दे MLA भी है ने, ते दूसरे पंजाब दे सेहत मंत्री भी है ने, उन्हां वल्लों नवीं मशीन दित्तियां गईयां ने, परंतु इत्थे कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुंदा। जदों भी किसी कर्मचारी नूं कोई सट पिंड बजदी है तां उसनूं दूसरे हॉस्पिटलां दे विच रैफर कर दित्ता जांदा है। असीं तुहानूं शॉट दिखा रहे हैगे इस वक्त कि अंदर असी गेड़ा मार के आए हैं, सारे डॉक्टरां दे रूम्स जिहड़े हैगे ने बंद पए ने, एमरजेंसी दे विच कोई भी ड्यूटी ते नहीं है, कुर्सियां खाली पईयां ने, बैड खाली पए हैगे ने, जदों कि इस हॉस्पिटल दे नाल 4 लाख वर्कर जुड़िया होया हैगा जो कि अपने इलाज वास्ते इत्थे आंदा हैगा। परंतु तुसीं देख सकते हो कि ना कोई अटेंडेंट हैगा, ना कोई गेट ते गेटमैन हैगा, ते इह सार नालों अमीर हॉस्पिटल है मोहाली जिले का, जिथे कि कर्मचारियों की मजदूरों की उन्होंने फैमलियां का फ्री इलाज होना है। कर्मचारी जिहड़ा ईएसआई हैगा उहदे विच इक कार्ड बना के दिता जाता उन्होंने सारे कर्मचारियों को, जिन्हों की तनखा 21,000 तो थले हैगी, तो यह ईएसआई जिहड़ा इंश्योरेंस कवरअप हैगा यह उन्हां दी फैमिली नूं भी कवर करता है, जिहदा कार्ड बनया हुंदा है, तो उन्हें खुद नूं भी कवर करता है कि अगर सट पेट उहदे कोई भी लगदी है जां कोई एक्सीडेंट हुंदा, कोई मेजर उहनूं बीमारी आउंदी है उहदे उत्ते, तां उहदा इलाज इत्थे फ्री होवेगा। परंतु तुहानूं असीं शॉट दिखा रहे हैं इस वक्त कि सारा हॉस्पिटल खाली पिया हैगा, कोई चौकीदार तक दा नाँ नहीं हैगा, जदों कि हॉस्पिटल दे नाँ दे उत्ते इत्थे 24 आवर्स जिहड़ियां सेवावां हैगियां ने उह चलणियां चाहीदियां हैगियां ने। तुसीं देख सकदे हो कि कंपाउंड खाली पिया, डॉक्टरां दीआं गड्डियां तां खड़ियां नज़र आ रहियां ने, परंतु इत्थे कोई भी अपने जिहड़ी एमरजेंसी वर्करां नूं लिजाण वास्ते, मरीज़ां नूं लिजाण वास्ते एंबूलेंस हुंदी आ, उह नज़र नहीं आ रही हैगी। पता लगे है कि एंबूलेंस दे टायर नहीं ने, शायद उहदा ड्राइवर भी नहीं है, तो एंबूलेंस नूं किसी दूसरी साइड रेजिडेंशियल एरिया दे विच इन्होंने खड़ा किया होया है, तो डॉक्टरों की नैगलीजेंसी इन्नी ज़्यादा सामने आ रही है। तुसीं देख सकते हो कि अंदर दी जो शॉट असीं तुहानूं दिखा रहे हैं सारे लॉक लगे हुए ने, कोई अटेंडर तक नहीं है, कोई मरीज़ तक नहीं है। यह इत्थे बैडां दा 18 दे करीब मेरे ख्याल बैड हैगे ने जिहड़े इत्थे लगे हुए ने, परंतु सारे खाली पए हैगे ने, एमरजेंसी दे नाँ दे उत्ते कोई अंदर दवाई नहीं है। तो यह हाल हैगा है पंजाब दे सेहत मंत्री दे इलाके दा, पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू दे अपने इलाके दा ईएसआई हॉस्पिटल इस वक्त खुद बीमार पिया, खुद उसनूं ऑक्सीजन दी लोड़ है, तो खुद उसनूं दवाइयां दी लोड़ है, परंतु सारियां इत्थे करन पकारां जिहड़ियां हैगियां मरन तो बाद भी कोई इस दी सार नहीं लै रहा। मोहाली दे ईएसआई डिपार्टमेंट दे विच जो बेनियमियां हो रही ने उन्हें दे उत्ते पर्दा चकन वास्ते मेरे नाल अज मौजूद ने एडवोकेट जसवीर सिंह, जो कि मोहाली इंडस्ट्री एसोसीएशन दे मैंबर भी हैगे ने ते वर्करां दे नाल भी जुड़े हुए ने। आपां उन्हां नाल गलबात करदे हां ते बाकी दी सारी गलबात पुछदे हां। जसवीर जी, सब तो पहलां तां इह कंसैप्ट समझाओ कि जो ईएसआई हैगी है इह इहदा कंसैप्ट की हैगा ते किहड़े-किहड़े किस तरहां दे वर्कर हैगे ने जिहड़े जिन्हां दे उत्ते इह लागू हुंदी है। सर, ईएसआई का जो फुल फॉर्म हैगा वो हैगा एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन जी, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ये जो ईएसआई कारपोरेशन है इनू सेंटर गवर्नमेंट के अधीन है, इनू सेंटर गवर्नमेंट एक भी रुपया फंडिंग नहीं करती। ये सारा कारपोरेशन वर्कर के पैसे से चलता है, वर्कर की तनखा चो इस टाइम पर 4% महीना कट्टिया जाता है, जिहड़ा कि हर महीने 15 तरीक तक जमा कराना होंदा है हर एक एम्पलायर ने। अगर वो जमा कराने से देरी हो जाती है तो उसनों इंटरेस्ट के नाल नाल पेनल्टी भी जमा करानी पैंदी है। इहदे विच जसवीर जी किन्नी तनखा वाले आंदे ने इस उहदे विच? हाँ, ये जिन्हां वर्करां दी तनखा 21,000 रुपए तो घट है वो इस स्कीम के दायरे के आते हैं, वो अपने ईएसआई के कार्ड वगैरह बना सकते हैं, तो उहदे वास्ते उन्होंने खुद वर्कर ते उन्हां दी फैमिली मदर फादर वाइफ ते बच्चे सारे मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड होंदे ने।
मतलब जे उन्हूं काम कर करदे हुए सट लगे जां उन्हूं 24 घंटे च कितों भी उह हर्ट हुंदा है जां एक्सीडेंट हुंदा है तां उहदे वास्ते फिर इह जो हैगी इंश्योरेंस हैगी कवर हुंदी है। हाँ, ईएसआई घर चलण तों घर वर्कर दे पहुंचण तक अगर रस्ते च रोड एक्सीडेंट हो जांदा है, फैक्ट्री च काम करदे एक्सीडेंट हो जांदा है तां उहदी फुल कैशलैस इंश्योरेंस कवर्ड हैगी है, उहनां नूं इहनां ने कैशलैस ट्रीटमेंट देणा हुंदा है। पर अज साडा जिहड़ा मोहाली दा हस्पताल है, जदों भी साडे मोहाली दे विच किसे फैक्ट्री दे विच कोई माइनर एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिवें उंगली कट जाना जां बांह फ्रैक्चर हो गई, लत फ्रैक्चर हो गई जां कोई होर मेजर एक्सीडेंट हो गया, तां ईएसआई हस्पताल दे विच जदों असीं वर्कर नूं लैके जांदे आ तां सानूं उत्थे सिर्फ उहदा रेफरल स्लिप ही मिलदी है, उहदी जगह ते कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलदा वर्कर नूं मोहाली दे हस्पताल दे विच। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 1000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਐਸਆਈ 'ਚ ਕਵਰ ਹੈ, ਔਰ 200,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਲਾਲੜੂ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 400,000 ਵਰਕਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੋਪੜ, ਕੁਰਾਲੀ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਫਰਲ ਸਲਿੱਪ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, 400,000 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 21,000 ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕਵਰ ਹੈ, ਕਵਰਅਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੇਜਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, 20-25 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ? ਸਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ 30-bedded ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 30-bedded 'ਤੇ 4 or 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 or 6 ਤੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 400,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 100 crore ਰੁਪਈਆ ਐਨੂਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਵਰਅਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ 7 or 8 crore ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ 100 crore ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ 100 crore ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਨੇ? ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ESI 'ਚ ਮੇਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਮਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਬਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 20-25% ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 100 crore ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ESI ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ESI ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਲੱਕੀਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਜੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਸਰ, ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ SMO ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ? ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ 11:30 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੋਟਲ 100-150 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
सिर्फ एक लाइन लिखते हैं रैफर टू 16 रैफर टू 32 या रैफर टू सिविल हॉस्पिटल। उस तो बाद वर्कर अगे धक्के खाए, इन्हों कोई लेना देना नहीं है। बाकी जोड़े रह गए 25-30% पेशेंट, उन्होंने भी यह कोई पेट दर्द की दवाई देती, किसी सिर दर्द देती, बस इस तो ज़्यादा होर कुछ नहीं करते जी। तो जे आप एडमिशन की गल करिए किन्ने बैडा एडमिट इतने है जो पेशेंट है? सर 30 बैडेड हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें कदे भी जाके हॉस्पिटल रात में छापा लगाओ तो कोई पेशेंट नहीं मिलेगा उत्थे कि जो अंदर दाखिल हो। सिर्फ डे टाइम दाखिल किया जाता है, शाम को पेशेंट खुद ही अपने आप घर में चले जाता है, क्योंकि इतने रात में रहने का कोई अरेंजमेंट है नहीं, ना कोई फैसिलिटी है। परंतु हॉस्पिटल के जी 24 आवर्स जी है एमरजेंसी सेवावान होंगे ने, OPD होंगे ने, सब बंद ने। सर इतने एमरजेंसी सेवा कोई नहीं चलती, सिर्फ एक रैफरल स्लिप ही चलती है। असं कहने कि अगर रैफरल स्लिप ही करना है तो इन्ने डॉक्टर इतने बिठाने की कोई जरूरत नहीं हैगी, फालतू खर्चा करने की एक डॉक्टर बिठा देन, सिर्फ जोड़ा कोई आया पेशेंट रैफर करी जाए। तो जे आप स्टेट लैवल गल करिए जसवीर जी, तो किन्ना का रेवन्यू हैगा जो इस डिपार्टमेंट में जाता है, तो किन्ना किन्ना का खर्चा होगा? सर स्टेट गवर्नमेंट जो ESI कारपोरेशन है क्वार्टरली 60 to 70 crore रुपया एडवांस दिता है स्टेट गवर्नमेंट को ESI कारपोरेशन। वो सिर्फ वर्कर के मेडिसिन वास्ते ही दिता जाता है, मेडिकल वास्ते ही दिता जाता है, लेकिन वो 70 crore चो वर्कर के मेडिकल तो मैं लगता नहीं कि कोई खर्चा होंगे। तो मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता ना टैरामाइसिन का तुम्हें दसिया कि इंजैक्शन तक नहीं होंगे लोड़ पे? हाँ सर पिछले हफ्ते एक एक्सीडेंट हो गया मोहाली के, एक लेडी के सिर के बाल हो गया सीगा, आ गए सी मशीन च, तो उस दिन रात में एक पेशेंट की ना उंगलियां कट गई 8:30 बजे, तो 8:30 बजे उस पेशेंट को असं लैके हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने को एक टैटनस का इंजैक्शन नहीं सीगा अंदर, वो भी उन्होंने वर्कर को कहा तू बाहरों लैके आ, मतलब के वो फिर वर्कर बेचारा बाहरों दुकाना बंद सी, बड़ी मुश्किल ना रात को 9:30 बजे टैटनस का इंजैक्शन अरेंज किया तो उन्होंने डॉक्टर को लगवाया। की लगते हैं फिर तुम्हें अगे के हालात की लगते हैं? सर साडा तो यही है कि साड़ी लड़ाई तो जारी है मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसीएशन की, असी हाई कोर्ट के PIL भी फाइल की हुई ESI के खिलाफ, लेकिन हुण कोविड करके हुण करके कोर्ट ना बंद ने। इस की चीज़ की मांग की हाई कोर्ट तो? सर हाई कोर्ट तो असी यह मांग की हुई है कि असी महीने का 10 crore रुपया मोहाली ESI नूं दिंदे आ, उहदे बदले साडे वर्करां नूं मेडिकल सहूलत मिलनिया चाहिए, लेकिन वो हुण कोविड करके साडी उत्ते सुनवाई अजे पेंडिंग चलती पई है। की लगता कि आने वाले दिनों के कोई होपफुली कुछ हो जाएगा? हाँ नहीं जदों भी हाई कोर्ट खुलती है तो साड़ी सुनवाई तो होएगी कोर्ट के, चीफ जस्टिस साहब को साडा केस चलता पाया। सो तुम सुनया कि एडवोकेट जसवीर सिंह ने दसया है कि जो इतने हॉस्पिटल है जिसका रेवन्यू 100 crore तक है, तो जे आप पूरे देश की गल करिए तो उन्होंने दसया कि 30,000 crore की एक बहुत बड़ी इनकम है जी ESI डिपार्टमेंट तो है, जदों के जो इन्हें ओबलीगेशन है वर्करा वास्ते जो इन्हें फर्ज़ है उन्होंने कोई फर्ज भी पूरा नहीं किया जाता, तो व्डे हॉस्पिटलों इन जे डॉक्टर है जिन्हें 1.5-2 lakh सैलरिया है वो सिर्फ रैफर करन का काम करते हैं, हॉस्पिटलों के जोड़े मरीज है उन्होंने फेक एंट्री दिती जाती है ताकि उन्होंने ना के उत्ते दवाइया तो जो फूड हैगा वो जनरेट किए जाते हैं बिल जोड़े वह भी फेक किए जाते हैं, तो जोड़े हॉस्पिटलों ये रैफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों मोहाली दे विच उन्हां वल्लों भी इन्हां नूं कमीशन की मांग की जाती है, तो इहदे विच जे कोई पिस रहा है तो वह बेचारा गरीब कर्मचारी है मजदूर है जिहड़ा कि अपने हक लैण वास्ते इन्हां दे दरवाजे दे उत्ते लगातार दस्तकां दे रहा है। कैमरामैन सुनील दे नाल सुशील गर्चा, दैनिक सवेरा मोहाली। All World Open Challenge 17-time gold medalist Mia Rafiq Mohammed, Pandit Maulvi Begum Tantrik, inna chora thagga to saavdan, specialist Vashikaran, sitta number, love marriage, pati patni ch anban, videsh ch pakka hona, karobar da na chalna, sirf 31 ghantiyan vich samadhan, free Mia Rafiq Mohammed, mobile 84374-9647, 84374-9648। ਸਿਆਸਤ ਵਪਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ।